हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्टिविटीज विथ आरएम, ओनली लर्निंग नथिंग एल्स। हमने प्रीपोजिशन शुरू कर रखे हैं और बहुत सारे जो प्रीपोजिशन है वो हमने रूल और एग्जांपल सहित पूरे कर लिए हैं। तो उसी प्रीपोजिशन के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो लेट्स स्टार्ट एंड लर्न समथिंग न्यू। आज की हमारी प्रीपोजिशन है बाय, अलोंग, एक्रॉस और बिलो। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाय का प्रयोग, यूज ऑफ बाय। बाय का पहला कंसेप्ट है कि बाय इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नियरनेस एंड क्लोजनेस, यानी समीप या निकटता के, समीप या के निकट के अर्थ में हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। बाई इज यूज टू एक्सप्रेस नियरनेस एंड क्लोजनेस, के समीप के निकट के अर्थ में बाई का प्रयोग किया जाता है। एज एग्जाम्पल से समझिए, पहला जो एग्जाम्पल है, द Child came and sat by her. The child came and sat by her. बच्चा आया और उसके पास बैठ गया। तो यहाँ जो by है इसका अर्थ हुआ है समीपता दर्शाने के लिए, sat by her, उसके पास बैठ गया। तो यहाँ आप beside का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ बिसाइड और बाय का प्रयोग एक दूसरे के बदले किया जा सकता है, बिकॉज बोथ बाय एंड बिसाइड आर यूज्ड टू एक्सप्रेस क्लोजनेस एंड नियरनेस। ओके, बाय और बिसाइड का प्रयोग निकटता के अर्थ में किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल से देखिए, हर विलेज इज बाय द रिवर, हर विलेज इज बाय द रिवर। यहाँ भी बाय उसका गांव नदी के निकट है, क्लोज है, नियर है। तो यहाँ भी आप बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। बाय का दूसरा कंसेप्ट है कि निर्दिष्ट समय तक या तक के अर्थ में बाय का प्रयोग किया जाता है। एज एग्जाम्पल देखिए कि द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाय 11 o'clock, द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाय 11 o'clock, यानी 11 बजे तक राजधानी एक्सप्रेस यहाँ आएगी। तो यहाँ बाय का प्रयोग तक, क्योंकि जो राजधानी एक्सप्रेस का शेड्यूल्ड टाइम है, तो शेड्यूल्ड टाइम के लिए हम बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग भी करते हैं। या इसी में दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ सी विल हैव कंप्लीटेड, सी विल हैव कंप्लीटेड है स्टडी। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ सी विल हैव कंप्लीटेड हर स्टडी, यानी इस महीने के अंत तक वह अपनी अध्ययन है उसको पूर्ण कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, अब देखते हैं बाय का नेक्स्ट कंसेप्ट,
by is used to show during. By is used to show during, यानी अवधि को दिखाने के लिए, अवधि दर्शाने के लिए by preposition का प्रयोग किया जाता है. As example, first example, he traveled. He traveled by the day. उसने दिन के दौरान, दिन के दरमियान यात्रा की. यहाँ जो दिन की अवधि है, ड्यूरिंग नेस है, अवधि है, जो पीरियड है दिन का, ये by preposition के द्वारा दर्शाया गया है. इसी प्रकार देखिए, the sun shines by the day. By the day, यानी सूर्य दिन की अवधि में चमकता है, दिन भर चमकता है. तो यहाँ भी दिन की अवधि सूर्य के द्वारा by preposition के द्वारा दिखाई गई है. नेक्स्ट कंसेप्ट है by का, कि passive voice में, passive voice में के द्वारा, passive voice में के द्वारा के अर्थ में by is used. passive voice में के द्वारा के अर्थ में by का प्रयोग किया जाता है. as the thick was caught by the police. The thick was caught by the police. मतलब चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था, के द्वारा. तो यहाँ by का अर्थ क्या है, के द्वारा. passive voice में इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं. एक एग्जाम्पल और देखें, ए लेटर वाज रिटन, ए लेटर वाज रिटन बाई अशोक, ए लेटर वाज रिटन बाई अशोक, अशोक के द्वारा एक पत्र लिखा गया था. ठीक है, तो यहाँ के द्वारा के अर्थ के लिए by preposition का प्रयोग passive voice में किया जाता है. अब देखते हैं next concept by का, कि by is used to express by preposition. Next
देखते हैं रूट प्रीपोजिशन बाई का। बाई का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है जिसका परिणाम प्राप्त हो जाता है। यानी ऐसे कार्य के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है जिसका परिणाम प्राप्त हो जाता है एज सी गॉट ए प्राइज बाय है हार्ड वर्क। सी गॉट ए प्राइज बाय है हार्ड वर्क। तो यहां जो उसने कार्य किया उसका परिणाम प्राप्त हो गया है। क्या परिणाम प्राप्त हो गया? उसने गॉट ए प्राइज एक इनाम प्राप्त पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। दूसरा एग्जांपल देखिए कि सचिन गॉट नेम बाय हार्ड वर्क। ठीक है, सचिन ने कठोर मेहनत से नाम कमाया या प्रसिद्धि प्राप्त की। सचिन गॉट नेम बाय हार्ड वर्क। सचिन ने मेहनत से कठोर परिश्रम से नाम कमाया। ओके, अब देखते हैं बाय का नेक्स्ट यूज। बाय की कुछ फ्रेज है, बाय की कुछ फ्रेज है जैसे बाय हार्ट जिसका अर्थ होता है कंठस्थ। बाय हार्ट, बाय फोर्स यानी जबरदस्ती, बाय फोर्स का अर्थ होता है जबरदस्ती। बाय टू ईयर्स दो वर्ष से, बाय हार्ट बाय फोर्स बाय टू ईयर्स। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि ही हैज लर्नड ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर बाय हार्ट। He has learnt all the difficult words of this chapter by heart. यानी उसने इस चैप्टर के सारे डिफिकल्ट वर्ड्स है, डिफिकल्ट कठिन शब्द है, उनको कंठस्थ याद कर रखे हैं या कंठस्थ सीख लिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल by force अगर देखिए कि they took the मनी, दे टुक द मनी बाय फोर्स, यानी वे जबरदस्ती मनी ले गए, दे टुक द मनी बाय फोर्स, वे जबरदस्ती पैसे ले गए, धन ले गए। इस प्रकार हम बाय के कुछ फ्रेज है जिसका प्रयोग हम यहां करते हैं। अब देखते हैं बाय का नेक्स्ट कंसेप्ट। अब देखते हैं बाय का नेक्स्ट कंसेप्ट। बाय इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी यातायात का साधन अभिव्यक्त करने के लिए, यातायात के साधन के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे हम कहें बाय बस
by car, by train, by scooter, scooter, by scooter, by motorcycle, by cycle, by jeep. तो जितने भी व्हीकल्स हैं उनके साथ हम यातायात के साधन के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए by preposition का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल से समझिए, सी कैम टू कॉलेज, सी कैम टू कॉलेज by car, सी कैम टू कॉलेज by car। वह कार के द्वारा उसके यात्रा करना का जो कारण है, जो साधन है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखें कि मार्ग या रास्ता दर्शाने के लिए, टू शो पाथ, रास्ता या मार्ग दर्शाने के लिए भी बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल बाई रेल, बाई रेल का मतलब क्या हुआ, रेल मार्ग से, बाई एयर वायु मार्ग से, बाई रोड सड़क मार्ग से, बाई रेल, बाई एयर, बाई रोड। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल माई नेबर्स, नेबर्स केम फ्रॉम दुबई बाय एयर, माई नेबर्स केम फ्रॉम दुबई बाय एयर, यानी मेरे पड़ोसी वायु मार्ग के द्वारा दुबई से आए। इस प्रकार रास्ता या मार्ग शो करने के लिए वी यूज बाय प्रीपोजिशन। ओके, अब हम देखते हैं हमारा अगले प्रीपोजिशन। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है अलोंग, अलोंग और एक्रोस। अलोंग और एक्रोस दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिया है कि अलोंग एक्रोस के यूज में बहुत सारे स्टूडेंट्स, लर्नर्स या बिगिनर्स कंफ्यूजन रहते हैं। उनको ये शंका रहती है कि हम अलोंग का प्रयोग कहाँ करें और एक्रोस का प्रयोग कहाँ करें। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया है ताकि जो इनका डिफरेंस है वो बिल्कुल आपके दिमाग से निकल जाए और ये स्पष्ट हो जाए कि हम कहाँ अलोंग का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ एक्रोस का प्रयोग करना चाहिए। तो लेट स्टार्ट एंड सी। अलोंग का अर्थ होता है किनारे, किनारे। अलोंग का अर्थ होता है किनारे किनारे और एक्रोस का अर्थ होता है के पार, उस ओर, के पार या उस ओर। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझिए कि ये मान लो कोई सड़क मार्ग है, सड़क मार्ग है तो यहाँ इस सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं, सड़क के किनारे किनारे पेड़ है, तो हम क्या कहेंगे, किनारे किनारे अलोंग देर आर ट्रीज अलोंग द रोड, मतलब सड़क के किनारे किनारे पेड़ है, देर आर ट्रीज अलोंग द रोड। अब मान लीजिए आप यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आप ये कहना चाहते हैं इधर कोई रहता है, उसका घर ये है, और आप यहां से कहोगे कि वह सड़क के दूसरी ओर रहता है, वह सड़क के दूसरी ओर रहता है, तो क्या कहोगे, ही लिव्स अक्रॉस द रिवर, वह नदी के उस ओर रहता है, वह नदी के दूसरी तरफ रहता है। तो इस अर्थ में हम प्रयोग करेंगे अक्रॉस का, और ये जो है किनारे किनारे इसके लिए हम प्रयोग करते हैं अक्रॉस का। तो नाउ आई होप यू हैव क्लियर योर डाउट पर्टेनिंग टू अलोंग एंड एक्रोस। इस प्रकार एग्जाम्पल देखिए,
द रोड, सड़क के किनारे किनारे पेड़ है। दूसरा एग्जांपल समझिए कि इफ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, आप रोड के किनारे किनारे चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड। आप नदी के किनारे चल रहे हैं तो क्या कहोगे? आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड। आप सी सागर के किनारे चल रहे हैं तो क्या कहोगे? आई एम वॉकिंग अलोंग द सी। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब देखिए एक्रोस के एग्जाम्पल, ही लिव्स एक्रोस द रिवर। ही लिव्स एक्रोस द रिवर, वह नदी के उस ओर रहता है, उस ओर रहता है यानी दूसरी तरफ। आप इस तरफ है सड़क के उस तरफ या नदी के उस तरफ के लिए हम प्रयोग करते हैं एक्रोस का। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि द ब्रिज इज एक्रोस द रिवर। द ब्रिज इज एक्रोस द रिवर, यानी नदी के उस ओर क्या है? ब्रिज है, पुल है। ओके, उस ओर के अर्थ में यहां एक्रोस का प्रयोग किया गया है, उस ओर के अर्थ में। अदरवाइज हम ब्रिज के लिए प्रयोग करते हैं ओवर प्रीपोजिशन का। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। ठीक है, यहां उस ओर के अर्थ में प्रयोग किया गया है एक्रोस का। अब देखते हैं हम अगला प्रीपोजिशन बिलो, BELOW। बिलो का अर्थ होता है लोअर देन और लेस देन। लोअर देन, लेस देन, से नीचे और से कम। लोअर देन, से नीचे, लेस देन, से कम के अर्थ के लिए बिलो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जब एक वस्तु के नीचे कोई दूसरी वस्तु हो, एक वस्तु के नीचे जब कोई दूसरी वस्तु हो और चाहे वे एक दूसरे को टच करे या न करे, क्योंकि बिलो के साथ टच की कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। जब एक वस्तु के नीचे कोई दूसरी वस्तु हो और वो चाहे टच करे या न करे, हम बिलो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं हम पंखे के नीचे हैं तो कैसे कहेंगे? वी आर बिलो द फैन, वी आर बिलो द फैन। और पंखा हमसे ऊपर है तो द फैन इज ओवर अस, द फैन इज ओवर अस। इट मीन्स बिलो इज अपोजिट ऑफ ओवर, बिलो अपोजिट का ओवर का अपोजिट है, ये ध्यान रखना। बिलो इज अपोजिट ऑफ, सॉरी, ओवर, अबोव का। द फैन इज अबोव अस, क्योंकि अबोव का हम प्रयोग कब करते हैं? जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो तो हम प्रयोग करते हैं अबोव का। तो बिलो इज अपोजिट ऑफ अबोव, और बिलो के लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है कि वस्तु एक दूसरे को टच करे। जैसे समझिए एग्जांपल से, मैं कहूं माई फादर इज बिलो 70, माई फादर इज बिलो 70, ये वाक्य करेक्ट है। यहां हम अंडर का यूज भी नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूं माई फादर इज अंडर 70, ये वाक्य इनकरेक्ट हो जाता है। यहाँ हम बिलो प्रीपोजिशन का प्रयोग
करते हैं और हम कहें कि दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो द पॉवर्टी लाइन, वे गरीबी रेखा से नीचे है, कोई निर्दिष्ट रेखा होती है और ये जो रेखा है मान लीजिए इसके लिए हम यूज करेंगे कि दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, और मैं कहूँ कि आपको इस रेखा के नीचे या लाइन के नीचे नहीं लिखना है तो कैसे कहेंगे, डोंट राइट बिलो दिस लाइन, डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस प्रकार बिलो का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा प्रयोग होता है लेस देन से कम के अर्थ में, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हिज मंथली, हिज मंथली इनकम इज बिलो आर एस 5000, हिज मंथली इनकम इज बिलो आर एस 5000, उसकी मासिक आय 5000 रुपये से बिलो है, तो यहाँ हम बिलो प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे न कि हम अंडर का प्रयोग करते हैं। हिज मंथली इनकम इज अंडर आर एस ये हम नहीं कहेंगे, अदरवाइज द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट, रॉन्ग होता है अंडर के प्रयोग से और करेक्ट होता है बिलो के प्रयोग से। ओके, और दूसरा कंसेप्ट देखते हैं बिलो का, दूसरा कंसेप्ट बिलो इज यूज्ड टू शो इनफीरियर टू, जिसका अर्थ होता है से निम्न या नीचे, बिलो इज यूज्ड टू शो इनफीरियर टू, से निम्न या नीचे का भाव दर्शाने वाले वाक्यों में बिलो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूं कि दिस वर्क इज बिलो माय डिग्निटी, दिस वर्क इज बिलो माय डिग्निटी, ये कार्य मेरी जो गरिमा है प्रतिष्ठा है उससे निम्न है, तो इनफीरियर टू का भाव देने वाले वाक्यों में हम बिलो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये थे हमारे आज के प्रीपोजिशन, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों रिलेटिव्स और फ्रेंड्स विथ ऑल योर कॉन्टेक्ट्स शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल तो सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।